उलटेगी एक दिन ना काम हो सियासती, उलटेगी एक दिन ना काम हो सियासती, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं शाहीन बाग, जामिया के पास शाहीन बाग, जहां पिछले 17 दिनों से महिलाओं ने धरना दे रखा है। ये महिलाएं मोदी सरकार से पूछना चाहती हैं कि आखिर उन्होंने क्यों नागरिकता संशोधन कानून पास किया है, वह क्यों NRC ला रहे हैं, वह क्यों इतनी बड़ी कौम को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से कड़कड़ाती ठंड में महिलाएं बैठी हैं, अपने छोटे बच्चों के साथ बैठी हैं, उनका पूरा परिवार बैठा है, इससे एक बहुत साफ है कि उनके दिमाग में है कि यह एक दूसरी आजादी की लड़ाई है जिसमें उन्हें शिरकत करनी है। आज 17वां दिन है, रोज आ रहे हैं, दिन रात यही है। बस ये बस एक ऐसा टाइम हम लोगों ने चुना है कि एक घंटे के लिए एक लेडीज चली गई, वो अपने बच्चों के देख आई, क्योंकि घर के काम भी इतने होते हैं। फिर वहाँ से एक दो जो आधी हैं, आधी अपने काम जाएंगे करके आधी वापस आएंगे, लेकिन ड्यूटी हमें यहाँ 24 घंटे यही है। क्या नाम है आपका? अफीफा। अफीफा। अफीफा जी, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। कौन सी क्लास में पढ़ती? फिफ्थ में। यहाँ चेहरे पे किसने बनाया? खुद बनाया। कैसे? कलर से बनाया। यहाँ किसके साथ आई है? मम्मी के साथ। कितने दिन से मम्मी आ रही है? जब से चल रहा है तब से मम्मी आ रही है, 17 दिन से। शबनम। कुछ पता चला यहाँ मम्मी क्यों आ रही है? पहले कभी आई मम्मी यहाँ पर? मम्मी पहले इस रोड पे आती थी, लेकिन पहले ज्यादा नहीं आई जितना अब आती है, 17 दिन से रोज आ रही है यहाँ पे। अजी चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बात मान लेते हैं कि जी कुछ नहीं है। जब वो कुछ है ही नहीं तो वो फिर आया ही क्यों? जब कोई चीज़ है ही नहीं, उससे में कोई नुकसान नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो बिना मतलब में उसके लिए हमारी मतलब उस चीज़ पे पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है? क्यों बांटा गया फिर उस चीज़ को? बांटना ही नहीं चाहिए था, उस चीज़ को लाना ही नहीं चाहिए था। जितना पैसा आज NPR के लिए खर्च किया जा रहा है, उतना बेरोजगारी के लिए खर्च किया जाता है, उतना स्टूडेंट्स के लिए खर्च किया जाता है, स्टूडेंट्स को मारा पीटा जा रहा है। सारी कम्युनिटी विरोध में है, जहाँ तक हम जानते हैं। यहाँ स्टेज पर सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही है, सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आते हैं, सिख ईसाई। अब ये है गैर मुस्लिम लोग जो हैं, उन्हें अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है, ये सोच रहे कि हमारे सपोर्ट में है, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों का भी अभी जो है रिलीजन के नाम पे किया गया है, फिर कास्ट के नाम पे देखिएगा कि बायकॉट किया जाएगा। तो ऐसे गैर मुस्लिम भी जाग चुके हैं, उन लोगों को भी पता है कि ये जो है सब लोगों के लिए परेशानी का मामला बनेगा, इसलिए सारे लोग रोड पे आ गए हैं, सारे लोग। इसलिए संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए। ये काला कानून उन्हें वापस लेना होगा, क्योंकि चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, ये एक हमारे एक अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। इसलिए अगर हमें अपने मुल्क के लिए कुछ भी करना, जामिया में अटैक करवाए उन्होंने, पुलिस लाठी चार्ज करवाए बेटियों पे, तो ये अत्याचार बहुत हो चुके। उनका ही ये कहना था कि मुस्लिम महिलाएं घर से नहीं निकलती। हम उनकी दिल बात को इतना दिल पे ले गए कि अब अगर वो जो भी अत्याचार करेंगे ना, अब हम यहीं आएंगे, सड़कों पे ही आएंगे। उन्होंने 3 तलाक का मसला लेकर आए, कोई महिला आगे नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं, हो गया हो गया। लेकिन ये हमारे मुल्क का सवाल है, संविधान का सवाल है। इस संविधान को हम ऐसे नहीं जानने देंगे। अपने भारत के संविधान को बचाने के लिए अगर हमें कुर्बानी भी देना पड़े वो भी देंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक कि वो अपना काला कानून वापस नहीं ले लेते। क्या नाम है आपका? रियाना खातून। रियाना खातून, आपकी बेटी कितनी बड़ी है अभी? ये 23 दिन की है। 23 दिन की है। 23 दिन की, एक महीना भी नहीं हुआ। क्या नाम रखा है आपने इसका? उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा जी, तो इतनी छोटी बच्ची को लेकर इतनी ठंड में आ रहे हैं? हाँ आएंगे ये, पड़ी जाएगी तो जो लोग अब जैसा
जैसा ही हुआ नागरिकता सब तो आपस आएंगे, रोड पे भी आएंगे, सिद्धांत के लिए बचाने के लिए तो रोड पे आना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या करेंगे, जब बच्चा बड़ी होगी तो क्या पूछेगी, मम्मी तुम मेरे लिए क्या करे। क्या नाम है आपका? अर्शीन। अर्शीन, 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 मरियम। मरियम कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नाइन्थ। फोर्थ। फोर्थ में। यहाँ कब से आ रही हो, कहाँ रहते हो? फर्स्ट डे से आ रही हूँ और शाहीनबाग में ही रहती हूँ। यहाँ पर ही फर्स्ट डे से आ रही हो। किसके साथ आते हो? मम्मा के साथ, खाला और कजन्स, बड़े सिस्टर, सब लोगों के साथ। सड़क पे पहली बार बैठे ऐसे सब लोग? पहली बार। पहली बार जी। कैसा लग हमारे बीच हमारे अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, जी अलग ढंग का लग रहा है। हाँ अलग ढंग का लग रहा है थोड़ा यहाँ पे। आपको कैसा लग रहा है? अलग ढंग का। मैंने ये NRC वापस लो। NRC वापस, NCA। ये दोनों चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चला यहाँ के? जी। ये लगा कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है? जी ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और क्या पता चला NRC के बारे में या CA के बारे में? NRC में ये है कि वो हमारा 1970 से पहले के प्रूफ मांग रहे हैं, तो कुछ लोगों के पास है बट कुछ लोगों के पास नहीं है, तो वो लोग कहाँ से लाएंगे? मगर वो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो है तो हिंदुस्तानी। मेरे घर से सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। पहली बार ऐसे सड़क पे बैठे? हाँ। क्या क्या नारे सुने यहाँ, क्या क्या बात सुनाई दी? यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई दी गई। NRC वापस लीजिए, NRC हमारे इनके लिए अच्छी नहीं है। और बाकी दोस्तों में भी स्कूल पे बात हुई NRC पे या CA पर? हाँ। कुछ लोगों को बताया आपने? हाँ। ठंड नहीं लग रही? ठंड तो बहुत लग रही है, फिर भी बैठ जा रहे हैं। थैंक यू। लेके रहेंगे आजादी, तुम नहा दोगे आजादी, वो छीन के लेंगे आजादी, जामिया का मांगे आजादी, हम क्या मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। हमने पहली ये चीज साबित कर दी है कि हम भी अपने हक के लिए आवाज उठाना जानते हैं और हम भी पीछे नहीं हैं, और ये हमारी हिस्ट्री भी रही है, हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री भी रही है कि 1857 की क्रांति में रानी झांसी बाई और हज़रत बेगम महल भी, पहली क्रांति इन दो महिलाओं ने शुरू की थी, 1857 में शुरू की थी, तो हम वही उन्हीं महिलाओं में से एक हैं। लड़ाई लंबी चलेगी आपकी? लंबी, हमें यही लग रहा है कि हमारा देश आज़ाद 1857 में पहली क्रांति शुरू हुई थी, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और पर ये हमने उस वक्त लड़ाई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी, वो हमारे देश के नहीं थे, हमारे देशवासी नहीं थे, वो बाहर से आए थे, तो हमें इस चीज़ का अफसोस नहीं था, पर आज हमें अफसोस हो रहा है। हमें अपने PM से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि हम अपने देश के PM के सामने खड़े होंगे और उन तक हमारी आवाज़ ही नहीं जा रही है। शाहीन बाग से जो महिलाएं और बच्चे संदेश देना चाह रहे हैं वो पूरे देश भर में नहीं पूरी दुनिया में जा रहा है। संदेश बहुत साफ है कि मोदी और अमित शाह देश का जो विभाजन करना चाहते हैं वह इस मुल्क की महिलाओं को, इस मुल्क के बच्चों को, बच्चियों को और तमाम उन लोगों को जिन्हें संविधान पर भरोसा है उन्हें मंजूर नहीं है। वे यहाँ मांग कर रही हैं कि आखिर 17 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में बैठने के बावजूद आखिर सरकार उनकी बात सुनने को क्यों नहीं तैयार है। जिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर अभी तक भारत आगे बढ़ा है उसके बारे में एक साथ गृह मंत्री अमित शाह कैसे संदेह पैदा करते हैं, किस आधार पे पासपोर्ट और आधार को खारिज करते हैं, ये सारी बातें मुल्क में एक अविश्वास का माहौल पैदा कर रही हैं। इन महिलाओं की जो आवाज़ है उसे दबाना मौजूदा हुक्मरान के लिए संभव नजर नहीं आती। हम देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिल के जिसका वादा है, हम देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।